गाना एक्चुअल एक तो हमारी लैंग्वेज राजस्थानी है, फिर यहाँ से मेरा कोई कॉन्टेंट नहीं था, तो राजस्थान में मेरा बहुत अच्छा साम्राज्य है, बस ये चाहती हूँ कि बॉलीवुड पर्दे पे एक बार जरूर दिखो। रानी नाम है मेरा ओरिजिनल, और रंगीली जो मेरे गुरु थे, जब मैं मंच पे डांस करने जाती थी तो पब्लिक एकदम से मतलब अलग ही हो जाता था माहौल, तो उन्होंने, मैं थोड़ा चुलबुल भी हूँ तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि आपका नाम रानी रंगेली, तो बहुत फेमस हुआ नाम मेरा। आपने अपनी सिंगिंग की तालीम कहाँ से ली, कोई आपका गुरु उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? नहीं, सिंगिंग मेरा सीखा नहीं मैंने किसी से, और सिंगिंग में मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं खुद से ही सीखी। डांस में माधुरी जी को बहुत फॉलो करती हूँ, मैं उनके ज़्यादातर उन्हीं को फॉलो करती हूँ, मैं उन्हीं से सीखी हूँ बस। मुझसे इन्होंने कांटेक्ट किया था राजस्थान से, तो कि ये बोले कि मुझे मिलना है आपसे, तो बोला आ जाओ पुणे में, मैं पुणे में रहता हूँ, तो बोले मुझे एंट्री करनी है बोले बॉलीवुड में, तो मैंने कहा चलो कर देंगे, इसमें कौन सी दिक्कत है, कौन सी बड़ी बात है, आ जाओ आप। तो हम कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पर मुंबई में, आकर पूरा माहौल देखा घूमा, बताया मैंने इनको, मिलाया कुछ लोगों से, कुछ प्रोड्यूसर से मिलाया, तो उसके बाद फिर कि कहा कि हिंदी सॉन्ग करना है मुझे, तो मैं बोला कर लेंगे कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, तो फिर गाना बना दिया। जी सर, आप जानना चाहेंगे इस गाने के बारे में आपकी क्या कहानी, किस तरह से आप हुए इस गाने? सर वैसे क्या है कि हिंदी सॉन्ग काफ़ी सालों से सोच रहे थे हम करें, पर क्या बड़े लेवल पे करना था हिंदी गाना, तो मनोज सर से मिले, फिर क्या है कि इन्होंने बोला कि हम कुमार जी सानू के साथ करते हैं गाना, तो क्या गाने का कॉन्सेप्ट रानी जी के माइंड में वैसे एक दो साल से चल रहा था, दिए जले बहुत ही अच्छा इन्होंने टाइटल रखा, और क्या है कि गाना इन्होंने लिखा, और फिर गाने को लिखने के बाद इसको एक बार हमने पहले रिकॉर्ड कर लिया था, डमी रिकॉर्ड करी थी इसकी, फिर उसके बाद हम मुंबई आए, फिर मुंबई में कुमार जी सानू के साथ इन्होंने ये गाना रिकॉर्ड किया, तो बहुत अच्छा गाना बना, ऑडियो बहुत अच्छा बना, फिर इसको वीडियो जो है हमने राजस्थान में शूट किया, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दिए जले, एक बहुत ही सैड सॉन्ग और बहुत ही अच्छी स्टोरी है गाने की, रोमांटिक स्टोरी है, और हीरो हीरोइन की बहुत अच्छा इसमें मतलब बहुत अच्छी स्टोरी है और लव स्टोरी है, और बाद में दोनों अलग हो जाते हैं, उसके ऊपर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है। महेंद्र जी, आपने बताया कि आप 6 साल से शायद रानी जी के साथ, हाँ, तो क्या क्या आपने उनके साथ गाने वैसे राजस्थानी किए सारे, और उसमें डीजे सॉन्ग भी है, लव सॉन्ग है, गैंगस्टर सॉन्ग भी है, कई सारे सॉन्ग है, और सारे 100 मिलियन 200 मिलियन। वैसे मैं 10 साल से इंडस्ट्री में हूँ, म्यूज़िक इंडस्ट्री में, तो मैं क्या पहले दूसरी कंपनीज में काम करता था, फिर रानी जी का बहुत बड़ा नाम था, उस समय मेरा इतना बड़ा नाम नहीं था, तो रानी जी से शूट के दौरान ही कॉन्टेक्ट हुआ, इन्होंने मुझे गाने के लिए बुलाया था, तो गाने में फिर मेरा काम देखा इन्होंने तो अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे हमने 6 साल रेगुलर काम किया, एक जोड़ी हमारी वहाँ पे फेमस हो गई, रानी रंगीली एंड कुंवर महेंद्र सिंह करके, तो वहाँ अच्छी जोड़ी चलती है, हमारी ऑडियंस हमें बहुत लाइक करती है, इसलिए लगातार काम कर रहे हैं। आपका क्या बैकग्राउंड है? फैमिली बैकग्राउंड मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, छोटा भाई है, सिस्टर है, जिया जी हैं, और बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट है मेरा, और शुरू से मैं पहले डांस लाइन में था, कोरियोग्राफर था, फिर आगे जाके एक्टिंग में मेरा इंटरेस्ट हुआ, तो फिर एक्टर बना मैं, फिर उसके बाद लगातार यही कर रहा हूँ, अभी बॉलीवुड में आना है। नहीं नहीं पहले से ही है। हाँ, चांस मिलेगा तो जरूर करेंगे। मैं लीड एक्टर, मतलब किस तरह का? हाँ मतलब, हाँ जी, कोई गाना आपका ये गुनगुना चाहेंगे? दुलाई, हाँ जरूर।
यही सुना देती हूँ जो रिलीज होने वाला है ऐसे ही ना। ये दिए जले मेरा जिया जले, ये दिए जले मेरा जिया जले, ये बैरिश्क है क्या करे। रजत जी, जी मैं पापा के वजह से इनके साथ मेरा ये हुआ। एक्चुअली हम फैमिली रिलेशन है, लेकिन बहुत सालों के हम जब पार्टीशन के टाइम हम यहाँ आ गए थे तो हमारा संपर्क टूट गया था राजस्थान से। हम वैसे राजस्थान से ही है, हमारे रिलेशन में ही है, तो बहुत सालों से रिलेशन में टूट गए थे। एक्चुअली हम फेसबुक के जरिए वापस जुड़े, हम फैमिली हमारी कम से कम 50 साल के बाद मिली होगी, 65 साल के बाद, सॉरी 65 साल के बाद हम मिले हैं। कौन मिले 65 साल के बाद? ये रानी जी ने पार्टी किया था मुझे। नहीं, हम तो 65 साल पहले हम आ गए यहाँ पर, हमारे फैमिली पिताजी और दादाजी, हमारे दादाजी एक्चुअली आ गए थे यहाँ पर। तो हम हमारा जो है इसके बाद जो रिलेशन रहता ना, तो उनके बाद हम तो राजस्थान में जाना बहुत कम हो गया था हमारा। हम जाते थे हमारे पूर्वजों की समाधि पर जाते आ जाते थे हम। फिर इन्होंने कि इनको कैसे पता चला, आइडिया नहीं है मुझे, मुझे कांटेक्ट किया इन्होंने, तो हमारी जो समाधि है समाधियों से इनको पता चला, उनके जरिए हम मिल पाए रिलेशन में। बहुत वो सिंगिंग ही करती हूँ मैं, और इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और यूट्यूब। मैंने बताया ना पहले, मैं तो 10 साल से कैरी कर रहा हूँ, पर ठीक है वो यशी ने ये लुक मूवी बाद में आया, पहले इनका लुक राजस्थान में नहीं, काफी बोलते हैं लोग मुझे, मैंने कहा अभी उन्होंने मेरा कॉपी किया, मैंने थोड़ी किया क्या। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बॉलीवुड में दिखना चाहते हैं, राजस्थान में तो है ही, पर यहाँ भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा हो जाए तो बढ़िया। हाँ माधुरी जी, हाँ हीरो में, हीरो में अजय देवगन जी, मेरी पूरी फैमिली का फेवरेट है वो। बहुत अच्छा नेचर है उनका और बहुत अच्छा लगा मुझे, और अच्छा हुआ। तो गाना किस लेवल पे आएगा और किस तारीख को आएगा? ये 15 तारीख को रिलीज हो रहा है, और मेरा जो खुद का कंपनी है उसी में रिलीज हो रहा है, रानी रंगीली यूट्यूब चैनल है मेरा, उसी पे रिलीज हो रहा है। आगे किस तरह से गाने आपके आ सकते हैं, आप दोनों के या कोलैबोरेशन या क्या कुछ? हाँ, ये तो ये रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा क्या रिस्पॉन्स रहता है हिंदी का। जी फोक सॉन्ग वगैरह में भी, फोक सॉन्ग वगैरह में भी बनेंगे अभी, राजस्थानी फोक सॉन्ग तो है बेस पर बनेंगे। उमर वगैरह जाते हैं हाँ, हाँ। जी आइटम सॉन्ग है, आइटम सॉन्ग की एक तैयारी चल रही है। हाँ हाँ, अभी मेरा एक सॉन्ग है डीजे सॉन्ग, बहुत अच्छा चल रहा है, 200 मिलियन का है, वो सुनाती हूँ मैं आपको। कमरिया लचके दिल मारो धड़के,